इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अयोध्या के विवादित जमीन के मुकदमे की अहम सुनवाई 11 अगस्त को होगी। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में नया मोड़ आ गया है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रुख से। मुस्लिमों के पक्ष में ही फूट पड़ गई है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन पर सुन्नियों के दावे को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बोर्ड ने कहा है कि बाबरी मस्जिद बनवाने वाला मीर बाकी शिया था, इसलिए विवादित जमीन पर शिया वक्फ बोर्ड का हक है। शिया बोर्ड ने कहा है कि वो विवादित जगह से हटकर मस्जिद बनाने को तैयार हैं। मसले के शांतिपूर्ण हल के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए। 2010 में आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में विवादित जमीन को 3 हिस्से में बांटने का आदेश दिया था। इसमें एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास, एक निर्मोही अखाड़े और एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया था। और अब 11 अगस्त को इस मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।